दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अखलाक आप लोगों को आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों को पता है मैं नौकरी के ऊपर और मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और मेरा मोटिव है कि मेरी वीडियो देखकर लोगों को नौकरियाँ मिले और वो मोटिवेटेड रहें। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, सेल्समैन जॉब की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्समैन नौकरी जो करना चाहते हैं या जो इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, वो अगर सेल्समैन की नौकरी करेंगे तो उनको क्या क्या काम करने होंगे दोस्तों, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और बहुत अच्छा सेल्समैन कैसे बना जाए, सेल्समैन के बारे में ऑलमोस्ट मैं सब कुछ यहाँ क्लियर कर दूंगा दोस्तों, कि ये जॉब जो प्रोफाइल है वो एक्चुअल में है क्या। पहला जो सेल्समैन का काम है ना दोस्तों, जो सेल्समैन होता है ब्रांडेड कंपनी के अंदर आप जाते हैं तो उसका पहला काम जो होगा सेल्समैन का, वो है ग्रीट द कस्टमर। कस्टमर के एंट्री करते हैं उसको क्या करना है, हेलो सर, गुड इवनिंग, और हो सकता है नाम बता देंगे, माय नेम इज़ विशाल, व्हाट वुड यू लव टू सी, क्या आपको क्या चीज़ क्या देखना चाहते हैं ना, क्या आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ आपको चाहिए। दूसरा, हेल्प कस्टमर फाइंड आइटम्स इन द स्टोर। कभी कभी होता हमने कस्टमर को अच्छे से ग्रेट कर दिया, उसने हमारे जैसे हमने हाय बोला, उसने हेलो बोल के जवाब दे दिया और वो खुद से सामान देखने लग गया, तो हम वहाँ ऑब्जर्व ये करते हैं कि तीन चार चीज़ें देखने के बाद भी वो कन्फ्यूज़ हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उस टाइम पे हेल्प कस्टमर वहाँ जाके उनके हेल्प करनी है, सर आई हेल्प यू टू फाइंड आउट आइटम्स जो भी उसको पसंद है, जैसे जीन्स टॉप वगैरह जो भी पसंद है उसके लिए आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद चेक स्टॉक अदर स्टोर एज़ पर कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर ने कोई जैसे आपको टी शर्ट दी ब्लू कलर की, उसने बोला कि ये टी शर्ट मेरे को मीडियम साइज में चाहिए, आपने स्टॉक चेक किया अंदर जाके कि आपके पास सारा स्मॉल है, मीडियम बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या करना है, कस्टमर से थोड़ा सा टाइम लेना है कि सर आप मुझे दो मिनट दीजिए, मैं अभी पास के स्टोर में कॉल करके बात करता हूँ, अगर वहाँ पर होगा तो मैं आपको वो टी शर्ट ला कर दूँगा। तो आपको अपने जैसे होता है ना एरिया, कि एक एरिया में 6-7 स्टोर हैं आपकी कंपनी के, तो आप जो भी आपके नियरेस्ट है उसको कॉल करके बोल दो कि ब्लू टी शर्ट कोड नंबर 706 आपके पास इसका मीडियम साइज है क्या, अगर वो कहता है तो बाइक वगैरह भेज के आप वो मंगवा के कस्टमर को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, प्रोवाइड कस्टमर विद इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम। कोई भी कस्टमर अगर कुछ जानना चाहता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि कोई नया कस्टमर है वो जानना चाहता है कि ये जो टी शर्ट है ये कॉटन की है या इलास्टिक है, इसके अंदर कितना परसेंट कॉटन है, इसको हम आयरन वगैरह कैसे कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस इसका कि लोगों ने फीडबैक क्या दिया इस कपड़े के बारे में। कभी कभी होता है ना लोग महंगी टी शर्ट खरीद लेते हैं 2000 रुपये की, 2500 की, तो उसको पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में कौन सा कपड़ा है, किस ब्रांड का है, कहाँ से बना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो अच्छी कंपनियों के सेल्समैन होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है सबके बारे में कि कस्टमर से कैसे बताना है, क्या बात करनी है। उसके बाद सेल्समैन को करना है रिंग अप परचेज। जितना भी सामान कस्टमर ने ले लिया, जैसे उसने 10-12 ड्रेस खरीद ली या कपड़े सिलेक्टेड आइटम, तो उनको लेके आपको ट्रॉली में कैशियर के पास लेके जाना है उनकी बिलिंग करवाने के, उसको रिंग अप बोलते हैं। कस्टमर की पसंदीदा चीज़ों को आप इकट्ठा करके काउंटर पे लेके जाएं उसके बिलिंग करवाने के लिए। तो बिलिंग कौन करता है दोस्तों, कैशियर करता है। और कैशियर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और आप अगर मेरी 3-4 वीडियो दोस्तों कोई सी भी देख लोगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं एक यंग लड़का यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और जॉब के अलावा यह सब लोगों की हेल्प करता हूँ। आप भी मोटिवेट हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने का आपके अंदर ऊर्जा जो है एनर्जी आ जाएगी। एलिवेट कंप्लेंट्स टू द मैनेजमेंट। अगर कोई कस्टमर आता है और आपको कंप्लेन करता है या गुस्से में होता है और आपको नहीं समझ में आता, उस टाइम पे क्या करना है, डायरेक्ट बोलिए 1 मिनट सर मैं अपने मैनेजर को बुलाता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो कोई भी कंप्लेन आती है कि मैं लास्ट टाइम जो टी शर्ट लेके गया था वो फेड हो गई, उसका कलर उतर गया, वो टी शर्ट वापस लेके आ गया, तो आपको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, डायरेक्ट मैनेजर के पास जाके उनकी बात करा देनी है। उसके बाद कीप ट्रैक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है दोस्तों के, आपको पता है कि अगर आप किसी ब्रांड में काम करते हो तो सामान आएगा, और ब्रांडेड कंपनियों में सामान ज़्यादा आता है, और उन सामान को गिनकर कंप्यूटर में ऐड करना, कितना स्टॉक आपके पास है, कौन सा मंगाना है, इस सब को दोस्तों इन्वेंटरी बोलते हैं। तो इन्वेंटरी आपको अच्छे से रखनी है। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।